हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि उनको गर्भावस्था के दौरान उनके वेजाइनल एरिया में या फिर पेल्विक एरिया में काफ़ी पेन होता है, तो क्या ये पेन नॉर्मल है? यानी कि कमर का आपका निचला हिस्सा और जो आपके योनि है उसके निचला हिस्सा, वो सब कुछ पेन होता है। आपके पीठ का भी जो थोड़ा कमर के नीचे का हिस्सा है वो भी सब, पेल्विक एरिया और वेजाइनल एरिया वो कंप्लीट मसल्स होती हैं, उनमें तनाव होने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए, जब भी आप गर्भावस्था के तौर से गुजर रही हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपके शरीर में होते हैं जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके शरीर में, तो आपको मेंटली प्रिपरेशन आपकी अगर मैं बात करूं तो इस तरह की चीज़ें होना एक आम बात है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल अगर आपका पेन ज़्यादा ना बढ़ जाए, अगर आपको उससे हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप बेशक अपने गायनी से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे। लेकिन नॉर्मल हल्का हल्का दर्द होना, ये सब एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी माना जा सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती हैं, आपका जो यूटेरस है, गर्भाशय है, वो भी बढ़ता है, वो भी स्ट्रेच होता है, क्योंकि बच्चे का साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। वो मसल्स सपोर्ट करती हैं, मसल्स में भी कुछ तनाव होते हैं, उस मसल के तनाव के कारण भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन वो आपके थर्ड ट्रिमेस्टर में होता है, क्योंकि उस समय बच्चे का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपके यूटेरस में भी एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा सब का साइज बढ़ जाता है, तो उसका भी कंप्लीट भार होता है, वो सब कुछ आपके पेल्विक फ्लोर पे भी पड़ता है, इसका ये सब असर होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो कॉमनली, वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले, आपके शरीर में कंटिन्यूसली हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, तो बेशक सी बात है कि आपके मसल्स में भी स्ट्रेन आएंगे, कुछ हार्मोन्स की वजह से भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी संक्रमण से गुजर रही हैं, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारी लेडीज़ को गर्भावस्था के दौरान इस तरह की शिकायतें हो जाती हैं, उसके भी वजह से थोड़ा सा आपके पेल्विक फ्लोर में आपको पेन हो सकता है, आपके कमर का निचला हिस्सा आप दर्द कर सकता है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें एक कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी है बच्चे को कंप्लीट जन्म देने के लिए, वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही होती है, आपका मसल्स है एक्सपैंड करता है, तो जैसे जब कोई चीज़ एक्सपैंड करेगी, मसल्स इसको एकोमोडेट करेगा, तो आप सोच लीजिए कि उसका पेन होना तो लाजमी है। इसका एक और भी कॉमन कारण देखा गया है कि अगर ये आपकी सेकेंड डिलीवरी है, उस समय भी आपका जो पेल्विक मसल है वो ज़्यादा दर्द करता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी में आपकी जो मसल्स है नॉर्मली स्ट्रांग रहती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसमें थोड़ा सा तो देखिए कमी तो आ ही जाती है, थोड़ा सा पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो थोड़े वीक हो जाते हैं, इस वजह से भी आपका दर्द हो सकता है। अब रही बात कि इन सारे दर्दों को आप कैसे टैकल करिएगा, आप क्या ऐसी चीज़ें करिएगा जिससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए, तो सबसे पहले आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ा एक्टिव रहना है। एक्टिव इन द सेंस कि आप ओवर एक्टिव नहीं हो जाइए, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, अपने क्षमता से ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपकी देखिए एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक करिए, घर के नॉर्मल जो काम है वो करिए, मतलब आपको थ्रू आउट एक्टिव रहना है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा थकान महसूस करिए, या बीच बीच में हाफ एन आवर, उसके बाद एक घंटे, कभी भी आपको बीच बीच में रेस्ट करना होता है। और रही बात, आप कुछ स्विमिंग जैसी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, योगा को प्रैक्टिस कर सकती हैं, किसी ट्रेनर का सहारा लेके, मतलब खुद से अगर आप इतना नहीं कर पा रही हैं तो किसी ट्रेनर की मदद लेके आप इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकती हैं घर पे बहुत आसानी से। और हाँ, आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करिए, जिस तरह से आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करिए। लाइक आप लेफ़्ट साइड में सोना ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि देखिए लेफ़्ट साइड में होता क्या है कि आपकी मसल्स थोड़ी सी, जो वजाइनल मसल्स है वो थोड़ी सी स्ट्रेन उनमें कम आएगी। आप झटके पे मत उठिए, जैसे कि आप सडनली उठ जाओगे बेड से या उठ के बैठ जाओगे, ऐसा आप मत करिए। धीरे धीरे हाथ का सहारा लेके उठिए, थोड़ा सा रिलैक्स खुद को करिए, और उठने के पहले, लेटने के पहले थोड़ा थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। और उठते बैठते समय, जैसे अगर आप बैठ रहे हैं चेयर पे, तो एक कोशिश करिए कि आपके पैर के नीचे कुछ ऊंचाई हो, जैसे आप स्टूल रख लीजिए या दूसरे चेयर पे अगर आप पैर रख लीजिए, इस तरह की चीज़ें। या अगर आप सो रहे हैं तो आप मैटर्निटी पिलोज़ वगैरह ले सकती हैं, अगर आप मैटर्निटी पिलो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं तो एक दो तकिए भी अपने पैर के नीचे लेके या फिर कमर के साइड में लेके, जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो, आप अपने बेली बम्प के साथ कंफर्टेबल हो, उस तरह से आप तकियों को भी रख के आराम से सो सकते हैं।
कुछ कीगल एक्सरसाइजेस करिए, कीगल एक्सरसाइजेस की भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो कीगल एक्सरसाइजेस करिए जिससे कि आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उसमें आपको आराम मिले, आपको अच्छा फील हो। और हो सके तो गर्म पानी से नहाना शुरू कर दीजिए, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर अगर आप यूज़ करिएगा तो उससे भी आपको जो वजाइनल प्रेशर है, वजाइनल पेन है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और हो सके तो आप सपोर्ट के लिए थोड़ा सा मैटरनिटी बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि आपका बेली बम्प बढ़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एक मैटरनिटी बेल्ट भी आती है, आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको खुश रखना है, अपने आप को अपने बच्चे के लिए हेल्दी सूदिंग म्यूजिक सुनिए, अच्छा फील करिए, और जितना आप तनाव से दूर रहेगा उतना सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा है तो, और मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो, अगर अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।